हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल सक्सेस मंच में स्वागत करती हूं। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस से रिलेटेड जो जनरल स्टडी पेपर 2 है उसका पॉइंट नंबर 1 जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या था, किस आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था और उसका विकास किस तरह से हुआ, जो कि ब्रिटिश काल से लेकर हमारे आधुनिक भारत जब तक भारत स्वतंत्र हुआ था तब तक हमने वो देखा था। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान को अन्य संविधान से अलग करते हैं और उसकी आधारभूत संरचना क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस पर वो एक खड़ा है, किस पर हम कह सकते हैं कि वो मजबूती से एक आधार बना के खड़ा है। तो उन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। रही पीडीएफ की बात, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें शायद 2 पॉइंट और रह गए हैं, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करके, बट भारतीय संविधान काफ़ी लेंदी है, उसमें हमें अनुच्छेद जितने हैं, जितने भाग हैं, जितने आर्टिकल्स हैं सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट एज मेंस के साथ साथ प्री की भी यहाँ तैयारी साथ में चल रही है। तो प्री की तैयारी किसी को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों साथ में तैयार हो रहे हैं आपकी। तो और पीडीएफ की अगर हम बात करें तो ये जब पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, भारतीय संविधान का जो जितना टॉपिक है, जी आप सिलेबस देख रहे हो कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास हम कर चुके हैं, विशेषताएं और आधारभूत संरचना आज हम कर लेंगे, फिर संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान रह जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारे प्रावधान हैं, 495 अराउंड 395 तो है ही, प्लस जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अलावा, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। फिर भारतीय संविधान के आधारभूत प्रावधानों में उच्च न्यायालय की क्या क्या भूमिका होती है, तो इसके पर ये भी टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के विकास में, आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका होती है। तो ये जो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, तो सबकी एक कंपाइलेशन पीडीएफ बना के मैं आपको सक्सेस मंच पेज और सक्सेस मंच का टेलीग्राम चैनल, दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस पर जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो एज इट इज़ पीडीएफ पूरा जितना भी है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक एक का मैं पीडीएफ दूंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को भी वो ढूंढने में परेशानी होगी, इसलिए मैं प्रॉपर एक का भारतीय संविधान टॉपिक से पूरा ही एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो 2 से 3 क्लासेज और लगेंगी इसमें, शायद 2 क्लासेज में ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा जब बनी, क्योंकि आज़ादी के बाद अब भारतीय संविधान को प्रॉपर वे में एक बनाने की ज़रूरत महसूस की गई, तो भारतीय संविधान उससे जुड़े कुछ तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कि कैसे सभा गठित हुई, कितने दिन का टाइम लगा, कितने पैसे खर्च हुए, कौन कौन उसमें थे, कैसे कैसे रचना हुई, इस सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद हम संविधान की चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स जोड़े गए, क्या हटाया गया, क्या उसमें अमेंड किया गया, तो ये सारे के सारे हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि 1947 भारतीय आज़ादी का जो अधिनियम था उसके मुताबिक हमें आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिल गई तो एक संविधान सभा बनाई गई, वैसे संविधान सभा आज़ादी के पहले ही बनाई गई थी, बट अगर प्रॉपर रूप से काम करने के उसका देखें तो वो आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ। तो इसके बारे में हम पूरे जुड़े तथ्य देख लेंगे और उसके बाद आगे इसकी विशेषताओं और चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आगे की हम जानकारी हमें समझ में नहीं आएगी। और ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, तथ्य और जानकारी, ये प्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट में मेंस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अभी कि भारतीय संविधान सभा का के निर्माण की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, तो आपको ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, सारे तो नहीं, फिर भी जितने आपको याद रह सकते हैं उतने आपको पॉइंट वाइज लिखने पड़ेंगे। तो सविस्तार चर्चा के लिए हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है,
कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में किया गया। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, आज़ादी के एक साल पहले ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, बट जो सुचारू रूप से काम करने की उसकी कैपेसिटी थी वो 1947 में जब आज़ादी मिल गई, प्रॉपर सत्ता इंडियन के हाथ में आ गई, उसके बाद से हुआ। और इसका जो निर्माण करना, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अप्रेजल पे हुआ था, कैबिनेट मिशन ने कहा था तब इसका निर्माण हुआ, तो ये याद रखेंगे आप। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। याद रखेंगे संविधान सभा का चुनाव हुआ था, यहाँ पर कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो ये तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अगर आपको मेंस में भी लिखना है तो इसमें अच्छी जानकारी मिल सकती है, आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। आगे बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने बैठक का यहाँ पर बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग ही संविधान की मांग की। तो ये हम लाइन वाइज प्रॉपर कैसे हम चला हुआ आया, संविधान सभा कैसे बना, उसके बारे में बात करें। अब सबसे पहले 9 दिसंबर को बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करते हैं तो हैदराबाद एक रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित यहाँ पर नहीं हुए थे, तो ये याद रखेंगे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया, तो ये प्री में पूछ लिया जाता है हमेशा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों के जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। साधारण में अनरिजर्व कैटेगरी आती है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सांप्रदायिक मतलब कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया गया और 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे उसमें, जैसे कि ये सांप्रदायिक यहाँ पर आधार माना जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी वो 33 थी, ये याद रखेंगे। महिलाओं की संख्या 12 थी। फिर उसके बाद जब सच्चिदानंद सिन्हा 9 तारीख को बने थे हमारे सभापति, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे संविधान सभा के, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अगर अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे यहाँ पर तो ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यवाही वो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ यहाँ पे प्रारंभ हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की। तो समितियों के नाम भी आप मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, समितियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो अभी मैंने यहाँ नाम दिया है, इसकी डिटेल भी अगर आप कहोगे तो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, और इन सबके जो अध्यक्ष थे वो आप याद रखेंगे। आगे बी एन राव द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 7, जो हम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्रा के स्थान पर, और डी पी खेतान थे,
1948 में इनकी मृत्यु होने के बाद टी टी कृष्णाचारी को सदस्य बना दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि खेतान के बाद आए थे कृष्णाचारी। और संविधान सभा में जो अंबेडकर का निर्वाचन है वो हुआ था पश्चिम बंगाल से, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांत के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए नियत किए गए थे। अब देश के विभाजन के बाद संविधान सभा ने पुनर्गठन किया और 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या जितनी भी थी, प्रांतीय सदस्यों की संख्या यहाँ हम बात करेंगे तो ये होगी हमारी 212, ठीक है। और यहाँ पर देसी रियासतों की संख्या 70। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने संविधान का जो प्रथम वाचन है वो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। ऐसे ये क्वेश्चन प्री में आ जाता है, प्रथम वाचन कब हुआ था, सेकंड वाचन कब हुआ था और थर्ड वाचन कब हुआ था, इसकी डेट आप याद रखेंगे। संविधान का जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ था, जो कि चला था 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे लंबा था, सेकंड वाला सबसे लंबा था। और संविधान सभा में संविधान का जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को ही किया गया। और इस समय जो सभा के उपस्थित सदस्य थे वो थे 284। चलिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इस कार्य में लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी बर्थ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो संविधान में 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अर्थात जो इसमें नाम दिए हुए 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, आप पूरा यहाँ देख ले हुए अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित, मतलब कि पारित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था इन अनुच्छेदों को। जो कि बाकी बचे थे वो इन्होंने किए थे 26 जनवरी 1950 को लागू। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उस दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। और कैबिनेट मिसेस के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ए बी एलेक्जेंडर थे। मतलब ये लाइन अलग यहाँ पर आएगी, ये लाइन इसके साथ इंक्लूड नहीं है, ये अलग से नोट में आ जाएगी। और हम बात करते हैं पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा की स्थापना की, तो ये घोषणा हुई थी 26 जुलाई 1947 को। इन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की स्थापना की थी, जो कि गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ हमने पूरी बात की कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सदस्य थे, कैसे कैसे उनकी रचना हुई, कैसे प्रथम वाचन हुआ, एंड वाचन कैसे हुआ, कैसे लागू हुआ संविधान, पूरी ये हमने फैक्ट के साथ साथ डिटेल सब कर लिया। अब चलिए आगे देखते हैं जो हमारे संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान के स्रोत, मतलब कि संविधान हमारा लिया कहाँ कहाँ से है। तो संविधान हमारा आप जैसे जानते हैं ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका से लिया है, कनाडा से लिया है, रूस से लिया है, आयरलैंड से लिया है, मतलब कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में देश हैं उससे कुछ ना कुछ उठाया गया है। तो ये इसकी एक विशेषता कही जा सकती है। कठोरता और लचीलापन, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा कठोरता की आवश्यकता होती है वहाँ हमारा संविधान कठोर भी है, जहाँ थोड़ी ढील की ज़रूरत होती है तो वहाँ हमारी ढील भी दी गई है। तो इसमें दोनों का स्वरूप पाया जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ज़्यादा लचीला है।
ये आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे संविधान में हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश के एक कैटेगरी में लाके खड़ा किया गया है। और मैं मानती हूँ कि दुनिया में हमारा ही देश ऐसा है जहाँ सभी धर्मों को इक्वल मान्यता दी जाती है। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप का मतलब है कि यहाँ राष्ट्रपति है जो कि मेन हेड है यहाँ पे, और फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, तो ये संसद का स्वरूप यहाँ पे पाया जाता है, ये इसकी एक विशेषता है। भारत में संघवाद, संघवाद का मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ बहुत सारे राज्य मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं और जिससे भारत का निर्माण होता है, तो भारत में एक संघवाद है। और यहाँ पर संघ को अलग होने की इजाज़त नहीं है, मतलब कि कोई राज्य एक पर्टिकुलर अलग से अपना कार्य नहीं कर सकता, एक अलग से संविधान नहीं बना सकता, अलग से अपना कोई भी पर्टिकुलर बिना केंद्र से पूछे कार्य नहीं कर सकता। एक मुख्य विशेषता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए संविधान में कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा दी गई है जिसका पालन करना एक राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, और यहाँ आप लोग ऐड करोगे मौलिक कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकार, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ शायद मिस हो गया है, वो मैं नेक्स्ट पीपीटी जब पीडीएफ दूंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। तो मौलिक अधिकार आप ऐड करोगे जो कि आर्टिकल 3 में दिया गया है भाग 3 में, तो उसमें आप देखोगे कि मौलिक अधिकार सबसे बड़ा फीचर है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, तो हमें जहाँ भी अधिकार मिलते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं। तो हमारे 10 कर्तव्य, पहले 11 थे अब 10 हो गए हैं, तो वो पहले 10 थे अब 11 हो चुके हैं, तो वो कर्तव्य आप ध्यान रखोगे। बाकी इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात भी करेंगे कि अधिकार क्या है हमारे, कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, सबके टॉपिक पे एक एक पे चर्चा यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है, हमें मत देने का अधिकार है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है हमारे संविधान की। नेक्स्ट, आपातकाल का प्रावधान, तो यहाँ राष्ट्रपति अगर देखता है कि राज्य का या केंद्र का शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो वो आपातकाल लगा सकता है, तो ये भी प्रावधान इम्पॉर्टेंट है हमारे संविधान के लिए। नेक्स्ट है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका किसी से बंधी नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसे स्वतंत्र न्याय देने का अधिकार है और एकीकृत है और सबसे ऊपर है, मतलब कि अगर संसद में भी कोई मामला होता है जो वो नहीं सुलझा पाते तो वो भी न्यायालय की मदद लेके यहाँ सुलझाते हैं। नेक्स्ट, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है कि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, कोई किसी भी स्टेट का हो लेकिन उसे प्राप्त है भारत की नागरिकता। ये नहीं कहते कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहते कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं या कर्नाटक के नागरिक हैं, हम जब भी हमें नागरिकता लिखनी होती है तो हम इंडियन वहाँ लिखते हैं, हम स्टेट का नाम नहीं लिखते, इसीलिए इसे कहा जाता है एकल नागरिकता। अमेरिका में दो तरह की नागरिकता मिलती है, एक राज्य की नागरिकता अलग मिलती है और उनके अपने पूरे जो कंट्री है उसकी नागरिकता अलग मिलती है। तो इंडिया की ये विशेषता है कि यहाँ एकल नागरिकता, मतलब कि पूरे राज्य को एक समान माना जाता है यहाँ पर। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आप लोग ये विशेषता याद रखोगे। अगर आप हेडिंग लिखते हो और उसका दो दो लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखते हो, एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का बुनियादी ढांचा, मतलब कि हमारा जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस एक ऐसे आधार पर टिका हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा ये बेस है, इसी के आधार पर हम पूरे अपने संविधान की व्याख्या कर सकते हैं या हमारे संविधान का ये सिद्धांत है। तो अगर आप पॉइंट्स में बात करोगे तो आप ये लिखोगे यहाँ पे पूरे पॉइंट्स, संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप है, ये हमारा बेसिक, मतलब कि हमारे एक एक पर्टिकुलर जो 18 साल से ऊपर है उन्हें वोट देने का अधिकार है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। हमारे संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप है, ये आप जानते हो कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं उन्हें प्राप्त है, तो ये सारे बेस हैं हमारे संविधान के, कि इनके आधार पर हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव होता है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की यहाँ स्वतंत्रता है।
मूल अधिकारों को यहाँ ना कम किया जा सकता है ना उन्हें छीना जा सकता है। हाँ, आपातकाल की स्थिति में कुछ देर तक उसे टाला जरूर जा सकता है, वो भी किसी विशेष परिस्थिति में, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के, कोई भी नेता, राजनेता या सांसद उठ के कहते कि हाँ, अब संविधान का मैं संशोधन हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, वो राज्यसभा में जाता है या लोकसभा में जाता है, फिर उस पर पूरा प्रोसेस किया जाता है, फिर वो पास होता है एक सदन से, फिर दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पास होता है, फिर राष्ट्रपति के साइन चाहिए होते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो संविधान संशोधन मतलब कि बहुत ही आसानी से यहाँ नहीं किया जा सकता। तो ये एक बेस स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान का भाग नहीं है और साथ ही संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि अगर हम पूरा एक अपना प्रस्तावना पढ़ लें तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि संविधान, हमारे भारत का संविधान किस टाइप का है। तो हम अगर मेनली अगर बात करें, फोकस करें, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने सब बताए हैं ये सारे प्रस्तावना के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है, आत्मा है, वो संविधान की प्रस्तावना को कहा जा सकता है। तो अगर सिद्धांत पूछें या बेसिक स्ट्रक्चर पूछें तो आप ये पॉइंट्स वहाँ लिख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। अब ये जो टॉपिक है ये आप पूछेंगे किससे रिलेटेड है, तो ये टॉपिक है संविधान की आधारभूत संरचना को बनाए रखने के लिए कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात कीजिए, ये हो सकता है। या फिर हमने जो हमारा, ये आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका जो सिलेबस है उसमें आप देखो, एक टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है कि संविधान के आधारभूत विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। एक तो इसकी भूमिका क्या है, तो भूमिका उच्चतम न्यायालय की मतलब कि जो जो विवाद हुए हैं, जो जो घटनाएं हुई, उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया है, आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कार्य किए हैं। तो ये आप यहाँ पर, वहाँ पूरा एक पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कौन सा विवाद हुआ था और उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला उसमें दिया था। तो वहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे काम आएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो, फिर आपका सिर्फ संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ रह गए, यहाँ पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये हमने उच्चतम न्यायालय की भूमिका जब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो महत्वपूर्ण फैसले क्या क्या कोर्ट ने दिए, तो सबसे पहला जो फैसला दिया था, संकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का एक वाद हुआ था 1951 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को अनुच्छेद 668 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। तो ये आधारभूत संरचना को बनाए रखने का पहला सिद्धांत, जो कि पहला वाद हुआ था। नेक्स्ट है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के खिलाफ हुआ था, तो ये 1965 में हुआ था। इसमें भी संसद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, जो कि हमने अभी आधारभूत संरचना के अंतर्गत बात भी की है इसमें। नेक्स्ट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में, इसमें कहा गया कि संसद को संविधान के भाग तीन, जो कि मौलिक अधिकार है, उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ याद रखिए, गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, केशवनंद बनाम भारती बनाम केरल सरकार, बहुत ही पॉपुलर मामला 1971 का, तो इसमें कोर्ट ने कहा संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। मतलब कि प्रावधान ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो दिया गया है उसमें वो हटाया नहीं जा सकता, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर यहाँ नहीं कर सकती सरकार। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये 1975 में, तो इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना की अपनी अवधारणा की पुष्टि की, जो कि इन्होंने पहले भी कहा, वही इन्होंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, यह है 1980 में,
बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशकों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित यहाँ किया गया। मतलब कि तीनों को साथ में लेके हमें अपने बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना चाहिए, इन्होंने कहा यहाँ पर। कि ही तो होल्लोहन बनाम जाची लुहु, ये है 1992 का मामला। इसमें कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा जाए, जो कि मैंने अभी ऊपर बात की थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर जोड़े गए 1992 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, ये है 1992 में। इसमें कहा गया कि कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया यहाँ पर। मतलब कि जो भी हमारे कानून बनाया जाता है, कैसे एम्बेडमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एस आर बोमन बनाम भारत सरकार 1994। तो इसमें कहा गया कि संघीय ढांचे भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया यहाँ पर गया। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों कराए। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप चार पाँच पॉइंट्स, पाँच पॉइंट्स भी लिख दोगे जो कि इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक ये आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट हुआ और भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना क्या है और आधारभूत संरचना को बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट का क्या योगदान है, ये सारा हमने यहाँ आज बात की। अब हमारा टॉपिक रह गया प्रॉपर हमारा संविधान क्या है। तो उसमें प्रस्तावना से लेकर और लास्ट हमारा जो अनुच्छेद है 395 तक, भाग जितने हैं 12 सूचियाँ हैं, वो सबके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे और पीडीएफ आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही मिलेगा। और चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।